बनाने जा रहे हैं बेसन के पेड़े। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़ा चम्मच, ये मतलब इतना बड़ा छोटा चमचा है, ये भर के देसी घी। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी मिठाई अगर आप बना रहे हैं तो देसी घी में बनाएंगे तो वो उसका टेस्ट अच्छा रहता है। लोग रिफाइंड में भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसका जो टेस्ट है ना, वो एक तो गले में भी थोड़ा सा लगता है अजीब सा। और अगर आपके पास बाई चांस देसी घी का नहीं है, कि आप कहेंगे कि हर देसी घी हर किसी के पास नहीं है, तो आप क्या करें, 2 चम्मच देसी घी और बाकी आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं तो भी सही रहेगा। पर डालडा थोड़ा सा मुझे पर्सनली लगता है कि उतना मुझे सही नहीं लगता। और अगर पॉसिबल हो तो कोई भी जगह स्वीट डिश बनानी है तो आप देसी घी में बनाइए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी बेसन। ये नॉर्मल जो बेसन रहता है वही वाला बेसन है, ये डाल देती हूँ इसके अंदर। और घी इस टाइम पे ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, हल्के गर्म में, कि ज़्यादा गर्म होगा तो हम जैसे ही बेसन डालेंगे ना एकदम से भून जाएगा। और अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे लो फ्लेम पे, हमें बेसन को अच्छे से भूनना है। और दूसरा, घी की जो नाप है ना, हम बेसन में घी मतलब जैसे ये वाली कटोरी है ना, इससे आधा कटोरी के लगभग घी इसमें यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं, और घी एक साथ नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए मैंने इसमें बेसन अच्छे से डाल दिया है। अब इसी समय मैंने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से मैं ले लेती हूँ 1 कटोरी मैदा, और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पहले। अब ये देखिए हमारा इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है, पर मुझे लग रहा थोड़ा सा सूखा है। अब हम इसी चमचे से भर के 1 से थोड़ा सा कम घी मैं और डाल देती हूँ, ये इतना घी और डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि बस उतना घी हमें डालना है जिससे अच्छे से ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब ये धीरे धीरे भूनता रहेगा ना तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में ये देखना बहुत पतला सा हो जाता है, तो अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट के लिए भून लेती हूँ, जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आती और देखने में कलर चेंज नहीं हो जाता, तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो गया। ये देखिए 5 मिनट के करीब हो गए हैं और हमारा जो बेसन है इस तरह से सॉफ्ट हो गया है। और मुझे आपसे मैंने बताया था ना कि 3 चमचे घी में बहुत अच्छे से हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, जब चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, इस तरह से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें और कुछ डालने की, तो मैं इसी तरह से भून लेती हूँ। पर थोड़ी थोड़ी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है, अभी परफेक्ट भुना भी नहीं है, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी आने लगी है खुशबू, तो मैं इसी तरह से इसे अच्छे से भून लेती हूँ इस तरह से चलाते हुए। अब ये देखिए हमारा जो बेसन है अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो मैं इसी समय इसमें डाल दूँगी, ये मैंने ज़्यादा नहीं है, लगभग आधा कप से भी कम दूध है, ये डाल देती हूँ इसके। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो पे मैं ये सब काम कर रही हूँ, ये डाल के अब दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरह से मिक्स करते हुए। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। और ये मैं पूरा दूध डाल देती हूँ, और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी जिस कटोरी से मैंने बेसन और सूजी ली थी 1-1 कटोरी, उतनी चीनी, मतलब 2 कटोरी मैंने 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी ली थी ना, तो मैंने उसी का मैंने 1 कटोरी इसमें चीनी ली है। और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। और इसमें हमें अलग से कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में अच्छे से इसे मिक्स करके, और हमें तब तक पकाना है जब तक ये हमारा पैन ना छोड़ने लगे, तो मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए हमारा अच्छे से ये भुन गया है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है, पैन छोड़ने लगा है, इतना ही हमें भूनना है। अब इसी समय मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच के करीब इलायची पाउडर, और 4 चम्मच के करीब ये नारियल का बुरादा, इससे क्या है इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ दोनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स करके। और अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में,
और पूरी तरह से ना इन्हें ठंडा कर लेंगे। पहले मैं नारियल का इसे बुरादा मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर, और इसे भूनने में लगभग 15 से 20 मिनट लग गए होंगे क्योंकि लो फ्लेम पे हमने भूना था। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे निकाल के इसी बर्तन में ठंडा कर लेते हैं पूरी तरह से। देखिए ठंडा हो गया है, पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पीस लेंगे इस तरह से, जितना बड़ा हमें बनाना है, और इस तरह से कर लेंगे पहले। ये देखिए जैसे लड्डू बनाते हैं ना, उस तरह की अभी शेप देंगे पहले हम इसको। ये देखिए इस तरह से गोल बना लिया है। अब हम हथेली की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरह से, और इसे ना इस तरह से चिकना कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से बाकी सब बना के तैयार कर लेती हूँ। अब हमारे बेसन से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाले पेड़े बनके तैयार हैं। एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।